गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो एक नए टाइटल के साथ। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अगर पावर अडैप्टर को यूज़ करते हैं तो उसमें हम चीज़ों को ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं पावर अडैप्टर तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है ब्लर करने में, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप के पावर अडैप्टर में कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी पर है कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर पावर अडैप्टर का यूज़ करते हो तो उसमें आप अपनी वीडियो को या फिर अपनी इमेज को ब्लर किस तरह से शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहले तो हम ये सब हटा देंगे, कंट्रोल ए और डिलीट। उसके बाद आपको यहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट करनी है जिस फाइल को आपको एडिट करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक फ़ाइल उठा ली है, मैंने वीडियोस में से अपनी कोई भी एक फ़ाइल पिक कर ली है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से ब्लर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेती हूँ। जहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें वीडियो के किस पार्ट को ब्लर करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको वीडियो चला के दिखा देती हूँ। अब जैसे वीडियो का ये वाला पार्ट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला पार्ट जो है मुझे ब्लर करना है। पेड फीचर्स में कुछ टर्म्स, ये वाला पार्ट मुझे ब्लर करना है अपना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ जहाँ से भी जिस पार्ट को मुझे ब्लर करना है, सबसे पहले जो मेरा कर्सर है वो वहीं पर होना चाहिए। ओके, उसके बाद कर्सर वहाँ पे होने के बाद आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस में से आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाना है, इफेक्ट रूम पे जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ एक ब्लर का ऑप्शन दिख जाता है। अगर नहीं दिखता तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं ब्लर, उस पर भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी वो पूरी जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ब्लर दिखेगी। इसको ठीक करने के लिए आपको यहीं पे डबल क्लिक मारना है। उसके बाद आपको एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, उस पे जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे ब्लर की जो क्वालिटी है वो बढ़ानी है या घटानी है वो यहाँ से कर सकते हैं आप। अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो ये और ज़्यादा ब्लर हो जाता है, और अगर आप इसको कम करते हैं तो ये इस तरह से हल्का हल्का ब्लर होता है। और ये यहाँ से आप इसकी ग्रेडियंट डेप्थ भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे मास्क पे जाना है और यहाँ से आपको एडजस्ट करना है जौन सा भी पोर्शन आपको ब्लर करना है, उस पोर्शन को आपको एडजस्ट करना है। जितना भी पोर्शन आपको छुपाना है इस तरह से आप एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो आपका वो वाला जो पोर्शन है वो ब्लर हो जाएगा। जैसे मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ कंडीशंस और ये क्या चीज़ है, सब कुछ यहाँ पे। फिर पेड फीचर्स में यहाँ पे आपको ये सब लिखा जाएगा, कॉमर्स प्रोडक्ट एडेंट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इतना जो पोर्शन है आपका जो है ब्लर हो चुका है। अगर आपको ये जो इफ़ेक्ट है ये आगे तक लेके जाना है तो इसको आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, कम करना है तो आप इस तरह से इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक आपको नीड है इस ब्लर इफ़ेक्ट की, उतना आप पोर्शन ले सकते हैं, इसे घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फंक्शन कि आप अपने वीडियो के किसी भी पार्ट को ब्लर किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।